नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। जेवर एयरपोर्ट ये सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी, लेकिन इसके शिलान्यास से लेकर ही इस पर बवाल खड़ा हो गया है। वैसे जेवर एयरपोर्ट बनने के पीछे संघर्ष बहुत पुराना है, 1, 2, 3 साल नहीं बल्कि 21 साल पुराना। 5 CM ने फाइल देखी तब जाकर बात पक्की हुई है। तो आज भारत एट टाइम में बात करेंगे उसी जेवर की, जिसकी सौगात की बात आज सुबह से ही हो रही है। लोग नाचते गाते इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखी। पीएम मोदी ने इस मौके पर देश के लोगों को बधाइयां दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी तैयार होने वाला है। उन्होंने कहा कि भूमि पूजन के साथ ही जेवर इंटरनेशनल मैप पर आ गया है। पीएम मोदी आगे कहते हैं कि मोदी योगी भी चाहते तो 2017 में यहां पर भूमि पूजन हो जाता, अखबार में फोटो छप जाती। उन्होंने कहा कि पहले राजनीतिक लाभ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणा होती थी और कागज में लकीरें खींच जाती थी। साथियों, आज देश में जितनी तेजी से एविएशन सेक्टर में वृद्धि हो रही है, जिस तेजी से भारतीय कंपनियां सैकड़ों नए विमानों को खरीद रही है, उनके लिए भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होगी। ये एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव, रिपेयर और ऑपरेशन का भी देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा। यहां 40 एकड़ में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO सुविधा बनेगी, जो देश विदेश के विमानों को सर्विस देगी और सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। अपने 85% विमानों को MRO सेवा के लिए विदेश भेजते हैं और इस काम के पीछे हर वर्ष 15,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 30,000 करोड़ में प्रोजेक्ट बनने वाला है, सिर्फ रिपेयरिंग के लिए हर वर्ष 15,000 करोड़ बाहर जाता है। हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जिसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों को जाता है। अब ये एयरपोर्ट इस स्थिति को भी बदलने में मदद करेगा। भाइयों और बहनों, इस एयरपोर्ट के माध्यम से पहली बार देश में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब की इसकी भी कल्पना साकार हो रही है। इससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिलेगी, एक नई उड़ान मिलेगी। जो खुर्जा क्षेत्र के कलाकार हैं, मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, सहारनपुर का फर्नीचर है, मुरादाबाद का पीतल उद्योग है, आगरा का फुटवेयर और पैठा है, पश्चिमी यूपी के अनेक MSMEs को भी विदेशी मार्केट तक पहुंचने में अब और आसानी होगी। साथियों, किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट के आने से परिवर्तन का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो चारों दिशाओं को लाभ पहुंचाता है। वहीं इस मौके पर सीएम योगी भी विपक्ष पर निशाना साधने में पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि देश एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। वो आगे कहते हैं कि जिन्ना के अनुयायी गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वा किया, जेवर के किसानों ने विकास को लेकर बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट केवल एक एयरपोर्ट नहीं है, वो विकास है पूरे उत्तर प्रदेश का। हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद
भारत के नागरिकों ने बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है और ये केवल सामान्य दिनों में ही नहीं, वैश्विक महामारी कोरोना के इस कालखंड के दौरान भी कैसे अपने एक एक नागरिक की रक्षा करनी है, कैसे उसके जीवन और उसकी जीविका की रक्षा करते हुए उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करना है। बेहतरीन कोरोना प्रबंधन के बाद दुनिया के अंदर एक बेहतर वातावरण देश के अंदर देने का कीर्तिमान स्थापित करने के उपरांत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की दिशा से इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये बहुत प्रतीक्षित क्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है, यहां के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जेवर के इस ऐतिहासिक स्थल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शिलान्यास के बाद अब उत्तर प्रदेश 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बन गया है। इससे पहले पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। जेवर एयरपोर्ट में कुल 5 रनवे होंगे। पहले चरण में यहां 2 रनवे बनेंगे, जबकि दूसरे चरण में इसे बढ़ाकर 5 रनवे कर दिया जाएगा। इस एयरपोर्ट को कुल 3300 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इसकी लागत 30,000 करोड़ के करीब आ सकती है। अभी इस एयरपोर्ट को लेकर अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस ने भी तंज कसना शुरू किया। सुबह से ही ऐसे तमाम ट्वीट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने ट्वीट किया कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय फिरोजाबाद में प्रस्तावित एयरपोर्ट बनने की अनुमति केंद्र की भाजपा सरकार ने रोकी ना होती तो इस समय जेवर के साथ चूड़ियों को भी जुड़ने का मौका मिलता और यूपी का वैकासिक श्रृंगार पूर्णता की ओर बढ़ता। सपा ही देगी यूपी के विकास को नई उड़ान। जिस जेवर पर सब अधिकार जता रहे हैं उसके संघर्षों के सालों के बारे में जानना भी जरूरी है। दरअसल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड एविएशन हब का प्रस्ताव 2001 में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने तैयार करवाया था। इसको परवान चढ़ाने में पूरे 21 साल लग गए। 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने एयरपोर्ट का प्रस्ताव पारित किया था। सरकार बदली तो 2004 में मुलायम सिंह एयरपोर्ट को आगरा ले जाना चाहते थे। इसके बाद मामला आगे बढ़ा तो कांग्रेस सरकार ने दूरी को लेकर फाइल लटका दी। आखिर वो दिन आ गया जब राजनाथ सिंह का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरा करते हुए नजर आए। वो यूपी के कस्बा जेवर के नजदीक दुनिया के चौथे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखते हुए आज नजर आए हैं। 2001 तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड एविएशन हब का प्रस्ताव पारित किया। मार्च 2002 में राजनाथ सरकार चली गई। 2002 मायावती प्रोजेक्ट को जेवर में लाना चाहती थी मगर राजनीतिक खटपट से योजना परवान नहीं चढ़ सकी। 2004 मुलायम सिंह यादव सीएम बने तो उन्होंने प्रोजेक्ट को आगरा ले जाने की इच्छा जताई। 2010 पुनः मुख्यमंत्री बनी मायावती ने प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया और रक्षा मंत्रालय से इसका क्लियरेंस लिया। 2012 यूपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने IGI एयरपोर्ट से 150 किलोमीटर से कम दूरी का हवाला देकर प्रस्ताव लटका दिया।
2013 तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को आगरा ले गए जो कि आईजीआई से 200 किलोमीटर की दूरी पर था। 2014 केंद्र में भाजपा सत्ता में आई तो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर दोबारा तेजी से काम शुरू किया गया, प्रोजेक्ट वापस जेवर आ गया। 2015 अखिलेश यादव ने जेवर एयरपोर्ट शुरू करने की इच्छा जताई और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को 5,000 करोड़ रुपए जारी किए। 2017 में योगी आए और प्रोजेक्ट में तेजी आ गई। 6 जुलाई 2017 हवाई अड्डे के लिए निर्माण साइट की अनुमति मिली। 6 नवंबर 2017 गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन की एनओसी दी। 23 अप्रैल 2018 नागर विमानन मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी दी। 6 अगस्त 2019 जिला प्रशासन ने जमीन पर कब्जा लेना शुरू किया। 29 नवंबर 2019 टेंडर खुला, ज्यूरिख कंपनी ने लगाई सबसे ज्यादा बोली। 25 नवंबर 2021 जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रख दी है। जेवर से नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा समेत पश्चिमी यूपी के 30 जिलों और हरियाणा के फरीदाबाद, पलवल और बल्लभगढ़ के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के मुताबिक करीब 6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अगले 4 सालों में दिल्ली, हरियाणा के एनसीआर के जिले और उत्तर प्रदेश के पश्चिम के जिलों को लाभ मिलने वाला है। तो अब ये जान लीजिए कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास क्या कुछ डेवलप होने वाला है। इंडस्ट्री हब बनेगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक 126 उद्योग धंधे स्थापित होंगे। इससे युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। एयरपोर्ट बनने के साथ साथ उद्योग के स्थापित होने की भी तैयारियां पूरी हो गई हैं। टेक्सटाइल का बड़ा काम, टेक्सटाइल की 100 से अधिक इकाइयों में यमुना प्राधिकरण से यहां पर अपने उद्योग लगाने के लिए जमीन की बात की है। फिल्म सिटी से रोजगार बढ़ेंगे। एयरपोर्ट के पास फिल्म सिटी बनने से यहां पर कलाकारों और फिल्मी टेलीविजन की दुनिया से जुड़े लोगों को आना जाना बेहद आसान रहेगा। एमआरओ सेंटर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए बनाया जाता है। देश का सबसे बड़ा एमआरओ जेवर एयरपोर्ट में बनाया जाएगा। अभी तक देश में एकमात्र एमआरओ सेंटर महाराष्ट्र के नागपुर में है जो कि अभी छोटा है। पहले साल 9 उड़ानें जेवर एयरपोर्ट से, 8 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू की जाएंगी, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट की क्षमता पूरी होते ही यहां से 27 डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाने भरने लगेंगी। एयरपोर्ट कम से कम साल 2030 तक दिल्ली जैसा अंतरराष्ट्रीय आकार ले पाएगा, यानी कि अभी समय लगेगा। यहां के लिए रहेंगी फ्लाइटें। घरेलू उड़ानों में 40% मांग मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई जैसी मेट्रो सिटी में आने जाने वाली यात्रियों की है। इसलिए जेवर एयरपोर्ट से शुरुआत में 8 घरेलू उड़ानें शुरू की जाएंगी। कनेक्टिविटी, यमुना एक्सप्रेसवे, बुलंदशहर, जेवर हाईवे, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इन 7 गांवों की जमीन पर बनेगा। नगला फूल खां, नगला छीतर, नगला शरीफ खां, दयानतपुर खेड़ा, किशोरपुर, रोही, नगला गणेशी, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा दूसरा और बेंगलुरु का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तीसरे स्थान पर है। लेकिन अब क्षेत्रफल के नजरिए से यूपी का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में सबसे बड़ा होगा। कनेक्टिविटी कैसी होगी? जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक मेट्रो कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 से जेवर एयरपोर्ट तक मेट्रो चलेगी। गाजियाबाद अलीगढ़ हाईवे को खुर्जा से जेवर तक बेहतर करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए हरियाणा के बल्लभगढ़ से जेवर एयरपोर्ट तक 6 लेन की 31 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। बुलेट ट्रेन दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर का एक स्टेशन जेवर एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग पर बनेगा। नोएडा फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट तक पॉन टैक्सी चलेगी। चलिए अब आपको रिएक्शंस दिखाते हैं कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सालों बाद जो जेवर पर तलवार लटकी हुई थी, मनाही की, वो पूरी कर दी है, तो किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, तमाम पार्टियां किस तरह के रिएक्शंस दे रही हैं। 5,845 हेक्टेयर में बनने वाला जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा है और दुनिया का 4था सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। यह इतना बड़ा एयरपोर्ट है लेकिन इसमें सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं, अत्याधुनिक है, यह प्रदूषण से मुक्त होगा। इसमें 5 रनवे बनने वाले हैं, 2 टर्मिनल बनने वाले हैं और हवाई जहाज की मरम्मत का भी काम यहां पर हो सकेगा, उनके रखरखाव का भी काम हो सकेगा। हमारे देश में अभी तक ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, अब वो सुविधा इस जेवर एयरपोर्ट पर प्राप्त होगी। विकास के असीम द्वार खोलेगी, नौकरियों की संभावनाओं को बढ़ाएगी, औद्योगिक विकास को रफ्तार देगी और वहां के सामाजिक जीवन में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस एयरपोर्ट के द्वारा होगा।
उत्तर प्रदेश के जो एक्सप्रेस हाईवेज हैं वहां से इसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो पूरा उत्तर प्रदेश इस विकास का साक्षी बनेगा। जिस तरीके से जेवर में आज एयरपोर्ट बनाया गया उसका स्वागत करता हूं, लेकिन प्रदेश की जनता देश के प्रधानमंत्री से ये जानना चाहती है, बीजेपी सरकार से ये जानना चाहती है कि क्या इस एयरपोर्ट को भी अडानी अंबानी को बेच दिया जाएगा, क्योंकि आज अडानी के घर पर मिठाइयां बट रही हैं कि एक और एयरपोर्ट उनके लिए तैयार हो चुका है। और दुख इस बात का होता है कि देश के अंदर अनेकों एयरपोर्ट बनाए गए, लेकिन इस तरीके से करोड़ों रुपए का खर्च एडवर्टाइजमेंट पर नहीं किया गया। देश के अंदर अनेक रेलवे स्टेशन बनाए गए, लेकिन इस तरीके से करोड़ों रुपए का खर्च एडवर्टाइजमेंट पर नहीं किया गया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी कोई भी देश के अंदर प्रदेश के अंदर अगर डेवलपमेंट होता है उससे देश की जनता को प्रदेश की जनता को खुशी होती है, लेकिन वो खुशी हवा हवाई नहीं होनी चाहिए, वो खुशी हमारी धरातल पर भी उतरनी चाहिए। फिर से किसान विरोधी चेहरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना दिखाया है। जिस जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं वहां लगातार अन्नदाता अपनी जमीन के लेकर मुआवजे को लेकर आंदोलनरत है। उन किसानों की जमीनों को पहले ग्रामीण से शहरी किया गया और मुआवजा मात्र ग्रामीण क्षेत्र का दिया जा रहा, यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपति प्रेम के लिए कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन कर संविधान को पैरों तले रौंदने का काम कर रही। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए प्रधानमंत्री और भाजपा के लिए प्रचार मंत्री बनकर रह गए हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने 2017 में बड़े बड़े वादे किए थे, डबल इंजन की सरकार बनाने को लेकर, शिक्षा मित्रों से वादा किया था, अनुदेशकों से किया था, किसानों से किया था, उत्तर प्रदेश की महिलाओं से किया था, सारे वादे धरे के धरे रह गए। भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी गौतम बुद्ध नगर जेवर में एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे, जैसा कि दैनिक समाचार पत्रों में छपा हुआ है। इस पर मेरा ये कहना है, माननीय मोदी जी को देश के भाई बहनों को ये बताना चाहिए कि एयरपोर्ट तैयार होकर अपने प्रिय उद्योगपतियों साथियों को आर्थिक लाभ के लिए बेचेंगे तो नहीं, जैसे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय अड्डा लखनऊ के 1986 में बनकर तैयार हुआ था और लगभग 160 से अधिक हवाई जहाज़ों का संचालन होता था, अब अडानी के नाम से जाना जा रहा है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी कर कमलों के द्वारा बेचकर प्राप्तिकरण किया गया। इसी तरह रेलवे स्टेशन भी बेचे गए। तो मेरा ये कहना है कि ये आज जो गौतम बुद्ध नगर में जेवर का शिलान्यास रखे अच्छी बात है, लेकिन आम जनता को ये जानने का हक है कि इस अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है ये लिखित रूप से बयान दें कि इसको भविष्य में बेचा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर के लिए थोड़ी देर में पहुंचने वाले, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो मंच है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। और यहीं पर अभी थोड़ी देर पहले ही जो सीएम योगी आदित्यनाथ है वो पहुंचे हुए थे, और अब वो क्योंकि 11:55 का जो समय है उस पर 11:55 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे। पहले वो यहाँ पर शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन होगा, और उसके बाद इसी जगह पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और आप मेरे पीछे की तरफ देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से भीड़ आई हुई है। जो भाजपा के पदाधिकारियों ने दावा किया था कि 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, योगी योगी मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। कुछ क्षण में ही यहाँ पर नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे, जो कि जेवर के लिए एक बहुत गौरव का क्षण होगा। भूपेश प्रताप सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, ग्रेटर नोएडा। तो भारत हेडलाइन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।